नमस्कार, आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं पांच राज्यों की बड़ी खबरें। सेक्टर 36 के इस्कॉन मंदिर में होगा लड्डू गोपाल जी का महाभिषेक। अधिकारियों के हाथ से चीनी निगम के कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ाने की ताकत। हरियाणा की छोरी ने चीन में जीता गोल्ड मेडल। अब हरियाणा में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए नहीं काटने होंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर। 6 फीट से अधिक ऊंचे खिलाड़ी को मिलेगी फ्री ट्रेनिंग। बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र से मांगे 1000 करोड़। हिमाचल के लाखों कर्मचारियों पर होगी लक्ष्मी मेहरबान। हिमाचल और उत्तराखंड सीमा पर जान बचाने आए हेलीकॉप्टर ने ले ली 3 जाने। रविदास मंदिर तोड़े जाने के विरोध में दिल्ली के तुगलकाबाद में प्रदर्शनकारियों ने 100 गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई मुख्यालय की लॉकअप में कटी पी चिदंबरम की रात। अब खबरें विस्तार से। हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हुए 108 परिवार लड्डू गोपाल का पंचामृत, गाय का दूध, दही, घी, शहद, मीठा और फलों के रस से महाभिषेक करेंगे। लड्डू गोपाल के महाभिषेक के लिए परिवारों ने पहले से ही बुकिंग करवा ली है। यह महाभिषेक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस्कॉन हरे कृष्णा धाम सेक्टर 36 में 24 अगस्त को शाम 7:30 से 10:30 बजे तक किया जाएगा। प्रभु अंकिचन प्रियदास ने बताया कि महाभिषेक जन्माष्टमी का मुख्य आकर्षण होगा। नगर निगम के सभी अधिकारियों से आउटसोर्स पर कर्मचारी लेने का ठेका एक्सटेंड करने का अधिकार वापस ले लिया गया है। यह आदेश नगर निगम कमिश्नर के यादव ने जारी किया है। नगर निगम में 5000 से ज़्यादा कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। इनका कार्यकाल नगर निगम 1 साल बाद बढ़ाता है। निगम के अनुसार कार्यकाल बढ़ाने की बजाय नया टेंडर लगाना चाहिए, लेकिन नगर निगम में ऐसी कई कंपनियां हैं जिन पर अधिकारी मेहरबान हैं। अधिकारी उनका ठेका हर साल अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं। हरियाणा पुलिस की डीएसपी गीतिका जाखड़ के बाद एक और बेटी हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर तैनात निर्मला ने भी चीन में चल रही वर्ल्ड पुलिस खेलों में अपनी विजयी पताका लहरा दी है। महिला कुश्ती प्रतियोगिता में 53 किलोग्राम कैटेगरी में निर्मला ने गोल्ड मेडल जीत कर देश हरियाणा और पुलिस का नाम रोशन कर दिया है। हरियाणा में जो बुजुर्ग 60 साल का हो जाएगा उसे बिना किसी अर्जी और बिना किसी फॉर्म भरे खुद ही पेंशन मिलने लगेगी। राज्य के हर युवा का 18 साल का होते ही मतदाता पहचान पत्र बन जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने को कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं रहेगी। मनोहर सरकार अपने राज्य में हर परिवार का पहचान पत्र बनवाने में लगी है। प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आने वाले समय में इसी पहचान पत्र के जरिए मिलेगा। सरकार ने इसे सामाजिक सुरक्षा मॉडल का नाम दिया है। भारतीय क्रिकेटर के स्टार गेंदबाज हरभजन सिंह ने अमृतसर में बुधवार को अमनदीप क्रिकेट अकादमी में शुरू होने वाली हरभजन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट अकादमी के बारे में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। भज्जी ने बताया कि उन्हें बेहतरीन खिलाड़ियों की ज़रूरत है, इसके लिए वह गांव में भी जाएंगे, लेकिन उन्हें 6 फीट से ऊँचे खिलाड़ियों की तलाश है। जो भी खिलाड़ी 6 फीट से अधिक हैं उनकी अकादमी ऐसे खिलाड़ियों को मुफ्त में ट्रेनिंग देगी। पंजाब में 561 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है। यह देखते हुए सेना और वायुसेना ने सराहनीय कदम उठाया है। एनडीआरएफ की टीम, सेना और पुलिस बचाव व राहत कार्य में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1000 करोड़ रुपये की विशेष पैकेज की मांग की है। हिमाचल सरकार ने लगभग लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ते की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिकारियों को महंगाई भत्ते की किस्त 1 जनवरी 2019 से मिलेगी। 4% डीए 1 सितंबर को मिलने वाले अगस्त के वेतन और पेंशन में जुड़कर आएगा।
राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था। हिमाचल और उत्तराखंड सीमा पर बुधवार सुबह बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत लेकर आया हेलीकॉप्टर खुद ही हादसे का शिकार हो गया। आराकोट में स्पेन की तार में हेरिटेज एविएशन का हेलीकॉप्टर उलझा और जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ से उत्तरकाशी जिले और हिमाचल सीमा के साथ सटे गांव के लोग खौफजदा हो गए। हादसे में मारे गए 3 लोगों के शव घटनास्थल पर शत विशत हालत में मिले। रविदास मंदिर तोड़े जाने के विरोध में रामलीला मैदान में जुटे लोग बुधवार शाम तुगलकाबाद पहुंच गए। हजारों लोगों ने तोड़े गए मंदिर की ओर कूच करने की कोशिश की। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। भीड़ ने तुगलकाबाद इलाके में सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। 100 से अधिक गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस ने देर शाम भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद समेत दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया। INX मीडिया मामले में गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और खुद को निर्दोष बताया, लेकिन करीब 2 घंटे तक चले ड्रामे के बाद आखिरकार CBI टीम ने चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया। घर के बाहर चिदंबरम समर्थक ने हंगामा और नारेबाजी की। इसके बाद चिदंबरम को CBI मुख्यालय ले जाया गया और चिदंबरम की रात CBI मुख्यालय के लॉकअप में कटी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।